तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने पढ़ा किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आपको कोई सा भी nth टर्म, 12th टर्म, 5th टर्म, 20th टर्म, 30th टर्म निकालना है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। उसके लिए आपको ए की रिक्वायरमेंट पड़ती है और रिक्वायरमेंट पड़ती है डी की। लेकिन अब हम बात करते हैं किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आपके पास एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो उन एन नंबर ऑफ टर्म्स का सम कैसे निकालना है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, देखिए जैसे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 100 तक, और हम ये चाहते हैं कि आप 1 से लेके 100 तक सारे टर्म्स का सम निकालिए। आप कैसे कर सकते हैं, अब आप एक चीज देखिए, 1, 2 - 1, 1, 3 - 2, 1, 4 - 3, 1, 5 - 4, 1, मतलब आप ये देख रहे हो ये एपी तो है, तो इन सब का हम सम कैसे निकालें। अच्छा एक काम करते हैं, हम लिखते हैं एस इज इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 + 4 + up to 96 + 97 + 98 + 99 + 100। ठीक है भाई, तो ये ओवरऑल हमारे पास टोटल यहां तक ये डाटा निकल के आ रहा है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, जैसे मेरे पास 1 + 2 + 3 है, मुझे इसका सम निकालना है, और s इज इक्वल्स टू 3 + 2 + 1, दोनों का सम बराबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मतलब सपोज मैंने इसको 1 से लेके 100 तक लिखा हुआ है तो मैं इसे उल्टा कर दूं तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूं, इसे आप डाल दो इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 s ही रहेगा लेकिन क्या 100 + 99 + 98 + 97 + up to 100 लास्ट तक क्या पर आ जाएगा यहाँ पे 5 + 4 + 3 + 2 + 1। ये हमारे पास भाई चीज निकल कर आ गई। मतलब हम इसी इक्वेशन को, इसका हमने अरेंजमेंट को जस्ट रिवर्स कर दिया और हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो वो भी हमारे पास सेम ही आने वाला है। ठीक है भाई, यहां तक हमारे पास बात समझ में आ गई आप सभी को। अब एक काम करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो क्या आ रहा होगा, s + s 2s। ठीक है, 1 + 100 101, 2 + 99 101, 3 + 98 101, 4 + 97 101, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन 101 + 101 + 101 + 101 + 101। मतलब आप देखो जिसको भी हम सबको ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आ रहा है 101। अच्छा टोटल कितने 101 होंगे ये हमें नहीं पता, कितने होने चाहिए भाई, देखो 1, 2, 3, 4 अप टू 100, तो ये 101 101 101 कितनी बार आया होगा, 100 टाइम्स आया होगा ये। तो क्या लिख सकते हो आप इसे, अब मुझे एक चीज बताओ, जब आप लिखते हो 2 + 2 + 2 + 2 इसे क्या लिख देते हो, 2 * 4 भी लिख सकते हो ना, क्योंकि 2 4 बार रिपीट कर रहा है। अब यहाँ पे 101 कितनी टाइम्स रिपीट कर रहा है, 100 टाइम्स, तो क्या लिख सकते हो 2s = 100 टाइम्स क्या आ रहा है 101 आ रहा है। क्या कर सकते हैं हम, s इज इक्वल्स टू 100 * 101/2 कट कर दोगे तो s आपके पास आ जाएगा 50 * 101। यहां तक सभी को बात समझ में आई नहीं आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, s = 5050। मतलब कि जब हमें किसी भी तरीके से किसी भी एक एपी का सम निकालना है तो बेसिक प्रोसीजर क्या रहेगा, आप उसे एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, उसके बाद उसे रिवर्स करने के बाद लिख दीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, आपके पास तुरंत 2 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। लेकिन अब बार बार हम इतना लंबा प्रोसीजर नहीं कर सकते तो एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव करते हैं सिमिलर बेसिक प्रिंसिपल को यूज करते हुए कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करें और हमारे पास आंसर आ जाए। तो हम बात करने आ रहे हैं एक जनरल फॉर्मूला की जो किसी भी एपी के फर्स्ट एन टर्म्स का सम निकालने में आपको पूरा हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, भाई हमारे पास एपी होती क्या है, a1, a2, a3 up to so on an,
इस टाइप के हमारे पास एक एपी होती है जिनके सबके कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम रहता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, भाई सबसे पहला टर्म हमारा होता है ए, ठीक है, उसके बाद सेकंड टर्म हमारे पास होता है ए प्लस डी, फिर ए प्लस टू डी, फिर ए प्लस थ्री डी, आगे आप बढ़ते रहेंगे तो लास्ट में आपके पास आता होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब n में से एक कम करके हमारे पास d आ गया, ठीक है। और हमारा अब ये है कि इन सारे टर्म्स का हम सम निकालें, कैसे, मैंने आपको बताया जो हमने पहले एग्जांपल किया है वही हम यूज करेंगे, a प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस थ्री डी प्लस अप टू सो ऑन a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास आ गया बेटा लास्ट टर्म, और इसी चीज को हम यूज करने वाले हैं। मैंने क्या कहा था आपसे, ये वाले क्वेश्चन तो आप हमेशा फर्स्ट क्लियर कराओगे, इसको आप रिवर्स कर दो, क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू जो लास्ट टर्म रहेगी उसे आप पहले लिख दो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है भाई। इससे पहले वाली टर्म क्या रही होगी, a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, भाई जब लास्ट में आप धीरे धीरे देख रहे हो n बढ़ा रहे हो, 1d था 2d था 3d था, लास्ट में n माइनस 1d है ना, इससे पहले क्या रहा होगा n माइनस 2d n माइनस 3d n माइनस 4d, उस टाइप से रहा होगा, प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट में हमारा आ गया होगा फर्स्ट टर्म दैट इज a। अब देखो ध्यान से, यहां तक किसी को डाउट है, ठीक है, दो इक्वेशन हमारे पास आ गई है, आप क्या करते हैं हम ऐड करते हैं हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं एडिंग की, देखो भाई ए इन दोनों को ऐड करना है तो ए प्लस ए टू ए हो जाएगा, तो टू एस इज इक्वल्स टू आ गया है ए प्लस ए टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, पहला आ गया ये प्लस, अब देखो a प्लस ए तो 2a तो आ रहा है, यहां पे n माइनस 2d है और यहां पे d है, सॉल्व करते हैं इसे एक बार, n माइनस 2 इंटू डी प्लस डी, ठीक है। तो एक चीज बताओ मुझे, ये बाहर बाहर d आ रहा होगा, ठीक है, तो क्या लिखोगे आप इसे, n इंटू डी माइनस 2d प्लस डी, तो कितना आ जाएगा n माइनस एन डी माइनस डी, तो डी डी कॉमन ले लो तो n माइनस वन इंटू डी, हम भाई ऐड कर रहे हैं ना इसको, तो a वाला पार्ट a के साथ ऐड हो गया, d वाला पार्ट d के साथ ऐड हुआ, तो हमने क्या लिख दिया n माइनस टू इंटू डी और प्लस डी, डी को आपने से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया n इंटू डी और माइनस टू डी और प्लस डी, माइनस टू डी प्लस डी माइनस डी, दोनों में डी कॉमन ले लिया तो एन माइनस वन इंटू डी हमारे पास आ गया, तो मतलब कि हमारा यहां पे भी कितना आ रहा है एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है भाई। आगे जब आप ऐड ऐड करते रहोगे तो लास्ट टर्म भी कितना आएगा ए प्लस ए टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ओवरऑल हमारे पास जब हमने दोनों को सम कर लिया है तो क्या रहा है हमारे पास, ये हमारे पास आ रहा है टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ रहा है। अच्छा कितने टर्म्स थी, एक दो तीन चार अप टू सो ऑन एन, तो n टर्म्स थी टोटल टोटल, तो क्या है देखो कॉमन आ रहा है सेम चीज है, तो क्या लिख सकते हो 2s is equals to n into जो कॉमन आ रहा है 2a plus n minus 1 into d, बेटा n 2 नीचे आ सकता है, तो सम जो s आया है is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d, तो ये आपके पास टोटल फंडा आया है यहां पे कि आप किसी भी n टर्म का सम निकाल सकते हो और वो इस फॉर्मूले से, और सम मैंने क्या बोला सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, पहले n टर्म्स का ही सम निकाल सकते हो, इसको थोड़ा सा और मैं समझाऊंगा अगले टॉपिक में। तो अब हमने ड्राइव कर लिया एक जनरल फॉर्मूला जो किसी भी n नंबर ऑफ टर्म्स का हम सम निकाल सकते हैं, और वो क्या है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, पहले n टर्म्स का यदि आपको सम निकालना है तो क्या कर सकते हो आप फॉर्मूला यूज करोगे n बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू
डी, और यहां पर वेयर एन क्या होगा, वेयर एन हमारे पास रहेगा नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स का आपको सम निकालना है। यदि पांच आपको फर्स्ट फाइव टर्म्स का सम निकालना है तो यहां पर फाइव पुट करोगे, फर्स्ट टेन टर्म का सम निकालना है तो एन की वैल्यू टेन पुट कर दोगे। फिर हमें ए चाहिए, ए हमारा फर्स्ट टर्म रहेगा, ठीक है, ये हम सभी को पता है, और डी हमारे पास रहेगा कॉमन डिफरेंस। मतलब कि हमें और क्या क्या चाहिए, हमें क्या क्या चाहिए किसी भी एन नंबर ऑफ टर्म का सम निकालने के लिए। एक तो आपको एन चाहिए होगा, एक आपको ए चाहिए होगा दैट विल बी फर्स्ट टर्म, एन आपको चाहिए होगा डी दैट विल द कॉमन डिफरेंस। तो तीन चीजों के पता होने से आप किसी भी एन नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकाल सकते हो बहुत इजीली। अच्छा, थोड़ा सा और इसे मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। यहां पर हम लिख सकते हैं एन बाय टू, टू ए को लिख सकते हैं हम ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है भाई। अच्छा, जो ये पहले वाला हमारे पास था ये आपने पढ़ा होगा, वेयर आप सभी ने एक चीज पढ़ी होगी ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो इस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी की क्या ले सकते हैं हम ए एन, तो आपके पास सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स फर्स्ट एन टर्म्स एन बाय टू ए प्लस ए एन। तो आपको यदि nth टर्म पता है तो आप इजीली इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, तो आपको ये जरूरत भी नहीं है, फिर n की जरूरत भी नहीं है और d की जरूरत भी नहीं है, सॉरी n a और लास्ट टर्म चाहिए होगा, d नहीं चाहिए होगा आपको। इसे आप और क्या ले सकते हो, आप nth टर्म को l और बोल सकते हो, तो ये आ जाएगा एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय टू ए प्लस एल, ये हमारे पास आ गया nth टर्म। तो लास्ट टर्म आपके पास जो दे रखी होगी, तो मतलब आपके पास सिंपली यदि आप बेसिक तरीके से फॉर्मूला निकाल मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो आप इस फॉर्मूले को यूज करो, अदरवाइज nth टर्म आप लास्ट टर्म के फॉर्म में इसे यूज कर सकते हो। और यहां पे एल भी हमारा एल फॉर लास्ट टर्म हम बोल सकते हैं जो आप यहां पे देखोगे, सो एल इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म जो हमें दिया गया होगा। एक दो क्वेश्चन देखते हैं बेसिक छोटा से जो इसको यूज कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं दो एग्जाम्पल कि उन जो फॉर्मूले को हमने ड्राइव किया है उसको यूज कैसे करेंगे। देखिए पहले वाले पार्ट में हम बात करते हैं क्या क्या हमें पता चल सकता है। हमें फर्स्ट टर्म पता है दैट इज ए इज इक्वल्स टू टू, हमको डी पता है दैट इज सेवन माइनस टू इज इक्वल्स टू फाइव, ठीक है। और हमारे पास टेन टर्म्स का सम निकालना है हमको, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टेन टर्म्स एंड एन इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया है टेन। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। So, हमारे पास s 10 निकालने जा रहे हैं हम, तो 10 बाय 2 2 इंटू टू प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास कितना है 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, 4 प्लस 9 आएगा 9 5 जो 45 49 5 इंटू 49, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 245 आ जाएगा s 10, ये वाली चीज हमारे पास निकल के आ चुकी है। दूसरे वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या बोल रहा है, ये कह रहा है 34 प्लस 32 प्लस 30 अप टू सो ऑन 10, मतलब लास्ट टर्म आपको दे रखी है इसने। तो ये हमारे पास क्या चाहिए हमको, ए पता है ए इज 34, डी 32 माइनस 34 एंड इज इक्वल्स टू माइनस 2, ये हमारे पास nth टर्म दे रखी है। ओके, लेकिन हमें जब हम कभी भी एन टर्म्स का सम निकालते हैं तो हमें एन जरूर चाहिए होता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता यहां से यहां तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं, इसका हम यूज करते हैं एक बार। अच्छा, ए एन क्या होता है भाई, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ना, ए एन कितना है 10, ए कितना था 34 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना बच्चों हमारे पास दैट इज माइनस 2, ठीक है। माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये जैसे ही माइनस करेंगे तो माइनस 24 आ जाएगा, अपॉन में माइनस 2 ला सकते हैं एन माइनस 1 आ जाएगा, कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन, मतलब हमारे पास टोटल 13 आ रहे हैं एन। अब उस फॉर्मूले को यूज कर लो जो मैंने आपको बताया था, क्या था वो फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय टू ए प्लस ए एन। क्या है भाई हमारे पास एन 13 बाय 2, ए कितना है हमारे पास 34 प्लस 10, कितना आ रहा है हमारे पास 13 इंटू 44 बाय 2 22, तो हमारा 13 इंटू 22, बेटा कमेंट्स में आंसर बताओ कितना आ रहा है,
कोशिश क्या करो, जब भी मैं क्वेश्चन का आंसर पूछता हूं तो कमेंट में डालो कि एग्जैक्टली पता चल पाए कि कितने लोग उस चीज को खुद करने की कोशिश भी करते हैं।